और आप लोग में से कुछ कुछ लोगों का ये चीज कहना था दोस्तों कि काफी सारा घर क्यों बना रहे हैं जब वो नया वाला घर है, ये है छत घर, तो ये सब बनाने की क्या जरूरत है। और आप लोग इधर और एक कमरा देखते होंगे दोस्तों कि ये वाला क्यों बनाए हुए हैं, तो ये वाला भी हम लोग जो है ना बहुत ही अच्छा चीज सोचे हुए हैं। अभी आप लोग को हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और सुबह सुबह हम लोग लग गए हैं दोस्तों खाना पीना बनाने में। देखिए अभी हम लोग लौकी का सब्जी बनाने के लिए लौकी काट रहे हैं, है ना जी? देखिए कितना एकदम ताजा लौकी है एकदम, है ना, खाने में पूरा एकदम मजा आ जाता है। खिंचा है लौकी, हाँ पूरा एकदम बालक है। इसी का सब्जी बनेगा दोस्तों और भात, क्योंकि गर्मी का दिन अब आ गया तो यही सब ठंडा सब्जी खाने से बढ़िया रहता है, इसलिए आज सोचे हैं कि लौकी का ही सब्जी बनाते हैं। देखिए कितना अच्छा लौकी है दोस्तों, एकदम दाना भी नहीं हुआ है, बड़ा बड़ा देखिए छोटा छोटा दाना है, इसका सब्जी एकदम एक नंबर बनता है। चलिए फटाफट काटिए जी। और अभी लाइन भी कटा हुआ है दोस्तों, ये देखिए सुबह सुबह कट जाता है, तो हम लोग खाना चढ़ा दिए हैं लकड़ी वाला चूल्हा में, वो भी बन ही गया होगा, है ना जी? हाँ जी। चलिए ये चिरा हुआ हो गया? हो गया। चलिए मार देख लीजिए, है ना भात? हम लोग का कभी कभार हम लोग का मार भात भी बनता है दोस्तों, लेकिन आज लौकी का सब्जी है तो आज भाते बनेगा क्या? हाँ जी, भात के साथ में खाएंगे लौकी का सब्जी। ये नया सब्जी है, इसको लेकर वहीं पर चलते हैं दोस्तों, अगर लाइन नहीं आएगा तो हम लोग को यहीं पर बनाना पड़ेगा सब्जी, है ना जी? भात तो बन ही गया, और एक बार डालते रहना तो हो जाएगा। इसमें आलू मिक्स करना है कि? हाँ। आलू डाल दीजिए। और इधर देखिए कविता जी आलू भी काट लिए हैं दोस्तों, ये देखिए छोटा छोटा आलू है, लेकिन ये वाला बढ़िया लगता है, छोटा वाला को ही मिक्स करते हैं, ये दूध फड़ा हो जाता है ना तो अच्छा सीझता भी है और खाने में भी बढ़िया लगता है। ज्यादा मत दीजिए जी, हो जाएगा, हो जाएगा, ज्यादा आलू हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और इधर देखिए दोस्तों बारी का सारा आलू कोर करके यहाँ पर कोना में रख दिया है, कितना सारा आलू है, छोटा छोटा ही है लेकिन बढ़िया आलू है एकदम पूरा फ्रेश, आराम से हम लोग का हो जाएगा ये साल भर खाने का, है ना जी? चलिए टमाटर वगैरह ला दे, टमाटर डालना है ना? हाँ डालना तो है। हाँ ला दे रहे टमाटर, मिर्चा, प्याज तो अभी नहीं डालाएगा जेग भर नहीं। तो देखिए इधर टमाटर है दोस्तों झोला में, लेकर के चलते हैं। तो इतना ले लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं इसको धो लेते हैं, उसके बाद में डालेंगे। ज़्यादा लौकी में टमाटर नहीं डालते हैं इसलिए इतना ही डाल रहे हैं क्या? लीजिए साथ में धो लीजिए और डाल दीजिए। देखिए कढ़ाई भी सूख गया है, तेल भी डला गया। चलिए जल्दी से सब्जी बनाइए। डाल दीजिए, तेल गरम हो गया होगा जी, डालिए ना। मिर्चा के फोरन दे दिए हैं, देखिए आलू धो के रखे हैं, तो अब अभी आलू दे देंगे, भुन जाएगा आलू, इसके बाद लौकी देंगे। बड़ा टेस्टी बन रहा है, अच्छा ही बन रहा है। टमाटर बाद में देंगे। लौकी अब डालना है? नहीं बाबू, पहले भुंजा लीजिए, फिर लौकी देंगे। अच्छा आलू अच्छा तरह से भुंजा गया है, देखिए अभी यहाँ लौकी डाल देंगे, देखिए डालने जा रहे हैं लौकी। तो कविता जी उधर सब्जी बनाने में लगे हैं दोस्तों, तब तक हम केला छील लेते हैं, आज हम लोग केला का भी सब्जी बनाएंगे, इसलिए इसको बढ़िया तरह से छीलेंगे, उसके बाद में हम लोग का सब्जी बनेगा स्पेशल केला का भी। देखिए कितना मस्त एकदम ताजा केला है सब्जी बनाने वाला।
देखिए बिल्कुल ताज़ा केला है, ये देखिए अंदर में कैसा एकदम पूरा सफ़ेद सफ़ेद निकलेगा, अभी छिलनी है इधर, इसी से छिलते हैं। देखिए कितना मस्त छिलका उतर रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो केला सबको बढ़िया तरह से छील लिए दोस्तों, उसके बाद में देखिए इसको बढ़िया से काट करके फिर फ्राई भी कर लिए। और इधर देखिए आलू भी सीझ ही गया है, अभी कविता जी छोड़ा रहे हैं, अभी सब्जी बनेगा केला का। और इधर देखिए लक्ष्मी को क्या करी है, लक्ष्मी रहर खा रही है, सुखड़ रहर, पेट गड़ेगा मत खाओ। देखिए होली वाला ले ली है ये पिचकारी और अभी खेल रही है। तो इधर कविता जी अभी सब्जी बना ही रहे हैं दोस्तों, तब तक चलते हैं, मिस्त्री लोग आ गए हैं तो उन लोग को क्या क्या सामान घटता है, क्या क्या चीज चाहिए वो चीज देख करके आते हैं, है ना जी। आप बना करके रखिए, हम आते हैं नया वाला घर से। हाँ तो इधर से ही चलते हैं दोस्तों, मिस्त्री लोग को देखते हैं क्या क्या चीज काम कर रहे हैं। और देखिए धूप काफी एकदम उग गया है सुबह सुबह, और देखिए इधर यहाँ पर काम हो रहा था तो यहाँ पर भाड़ा लगा दिए हैं, देखिए कितना नीचे है, अभी देखिए कैसे पार होना पड़ रहा है। तो चलते हैं फटाफट। और इधर देखिए दोस्तों ये सब काम हुआ है, उसके बाद में इधर जोड़ाई वगैरह नहीं हुआ है, इस सबको भी जोड़ाई करना है, तो अभी मिस्त्री लोग काम आ रहे हैं इसीलिए इधर जोड़ाई नहीं हो पाया है। तो मिस्त्री लोग अभी भाड़ा वगैरह बांध रहे थे, देखते हैं। और इधर देखिए मामू जी भी आ गए हैं तार खींचने के लिए, देखिए इधर ये सबको साफ करते जा रहे हैं ना, बोर्ड सबको साफ होगा। हाँ देखिए बोर्ड को पूरा एकदम बढ़िया तरह से साफ कर दिए, जो भी कंकड़ पत्थर था यहाँ पर एकदम मसाला वगैरह वो सबको साफ कर दिए, एक ऊपर सब साफ हो गया है, अभी सब में तार खिंचाएगा। और इधर देखिए दोस्तों मिस्त्री लोग लग गए हैं भाड़ा बांधने में, देखिए इस तरह से एकदम पूरा लंबा लंबा भाड़ा बांधा रहा है, देखिए ऊपर में एक आदमी है और देखिए इस तरह से एकदम बांधते हुए नीचे भी आदमी है, देखिए पूरा एकदम सपोर्ट के साथ में एकदम बांधा रहा है। और ये भाड़ा इसलिए बांधा रहा है दोस्तों क्योंकि ऊपर में वहाँ पर खापरा का डिजाइन बनना है, वो वाला नहीं बना हुआ है, इसलिए भाड़ा को बांध रहे हैं। ये भाड़ा बांधाएगा पूरा, उसके बाद में फिर वहाँ ऊपर में फिर डिजाइन बनेगा खपरा वाला, पूरा एकदम लगेगा यहाँ ऊपर का एकदम डिजाइन मस्त बन जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में, तो इसीलिए भाड़ा वगैरह बांधने में सभी कोई लगे हुए मिस्त्री लोग। देखिए इस तरह से एकदम भाड़ा का काम हो रहा है, देखिए किस तरह से एकदम जुगाड़ बना करके भाड़ा को बांध रहे हैं, देखिए उधर भी बांस दिए हुए हैं, इधर भी बांस दिए हुए हैं और अंदर साइड में भी दिए हुए हैं, इस तरह से जुगाड़ बना बना कर कर रहे हैं क्या मिस्त्री जी। चलिए देखिए रस्सी को फुला लिए हैं, उसके बाद में भी बांधेंगे। देखिए एक आदमी वहाँ पर है खिड़की में, वहाँ पर जुगाड़ देते जा रहे हैं, तो इधर तो काम हो ही रहा है दोस्तों। तो हम चलते हैं खाना पीना खा लेते हैं, खाना भी बन ही गया होगा। और आज का धूप देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त धूप उगा हुआ है, ये देखिए अब पूरा गर्मी का दिन आ गया। और इधर पहाड़ साइड से भी हवा नहीं आ रहा है, एकदम पूरा एकदम शांत लग रहा है, और इतना जबरदस्त धूप उग गया है ना कि एकदम अब हालत खराब कर देगा सभी को, इतना तेज लग रहा है धूप अभी है। अभी तो अप्रैल चल रहा है, हमको लगता है कि मई में और भी तेज धूप लगेगा। देखिए बाहर से कैसा दिखता है दोस्तों हम लोग का घर, अभी हम लोग का कार्य प्रगति पे है, तो देखिए कैसा दिख रहा है, देखिए एकदम पूरा उजड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए ये रहा हम लोग का कलवर घर, और ये रहा हम लोग का बाउंड्री वाल इधर बाहर साइड का, देखिए वो वाला बाउंड्री को पूरे एकदम अच्छा तरह से चमका दिए हैं वहाँ पर रेस्टिक वगैरह मार करके। और देखिए घर में रेस्टिक लग गया तो कितना अच्छा चमक रहा है, सिर्फ ऊपर डिजाइन में नहीं बना हुआ है तो डिजाइन को बनाएंगे, अभी वो लोग गए हुए हैं अपने छुट्टी पे, अभी उन लोग का त्यौहार आने वाला है ना, इसीलिए उन लोग गए हैं अपना घर। तो अब चलते हैं दोस्तों फटाफट खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर आते हैं फिर मिस्त्री लोग के पास। तो हम आ गए दोस्तों, और इधर देखिए माँ यहाँ पर राहर तोड़ करके लाए हुए हैं और यहाँ पर घाट दिए हैं बाहर में, देखिए धूप में पूरा एकदम सूख जाता है, देखिए छटक रहा है दाना धीरे धीरे, ये देखिए इतना अच्छा दाना निकल रहा है। अब इसको शाम में बढ़िया तरह से ढहरा देंगे, पूरा दाना निकल जाएगा, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम घाटा हुआ है। और इधर देखिए अभी कविता जी यहाँ पर कचरा हो गया है तो उसी को झाड़ू लगा करके निकाल रही है, लक्ष्मी चना खा रही थी शायद ना, लक्ष्मी लक्ष्मी दिनों भर खेलते रहती है, दिन में कभी नहीं सोती है, बहुत शायद सोती है कभी कभार। देखिए धूप में कहाँ जा रही है लक्ष्मी, कहाँ जा रही है धूप में, आओ घर आओ, पूरा कचरा हो गया है ना जी। हाँ, केला अच्छा चलिए सब साफ सफाई कर दीजिए,
ये फेंक दीजिए। क्या हुआ? मम्मी बाहर है, मम्मी गई है उधर धोने के लिए, उधर कचरा फेंकेगी उसके बाद में धो करके आएगी। हाँ हेलो लक्ष्मी, हेलो हेलो, चलो खाना खाने चलो, खाना बन गया। चलो खाना भी बन ही रहा है। अच्छा ठीक, अच्छा बनने दो। तो भात सब्जी सब रेडी हो गया है दोस्तों, और हम भी हाथ मुंह धो लिए हैं और अभी बैठ गए खाना खाने के लिए। और इधर देखिए अभी कविता जी खाना लगा रहे हैं, चावल और आलू केला का सब्जी लग गया है, अभी आलू और लौकी का सब्जी लगाए हैं ना। चलिए अब चलते हैं, फटाफट खाते हैं। तो खाना पीना हो गया दोस्तों और थोड़ा देर आराम भी कर लिए, अब चलते हैं, मिस्त्री लोग लगे हुए हैं उधर ही चलते हैं, है ना जी। चलिए चलिए। और देखिए अब शाम होने ही वाला है, अब धीरे धीरे जो है बेरा डूबने वाला है। क्या देखिए सूरज महाराज उधर जा रहे हैं बेरा डूबने की ओर, पहाड़ के नीचे छुप जाएंगे। चलिए चलिए। तो हम लोग आ गए दोस्तों नया वाला घर तरफ। देखिए इधर पूरा एकदम जोर शोर से भाड़ा का काम हो रहा है और इधर बिजली का भी काम हो रहा है। देखिए इधर पूरा एकदम तार वगैरह खींच रहे हैं मामू जी, तार खींचने में लग गए हैं। क्या मामू? हाँ कम्प्लीट हो गया? हाँ कम्प्लीट हो गया, कम्प्लीट हो गया। अच्छा अच्छा, देखिए इस तरह से तार खींच रहे हैं। देखिए पूरा एकदम साफ सफाई कर लिए हैं पूरा एकदम, जितना भी यहाँ पर मसाला लटका हुआ था छेदा छेदा में सबको साफ कर लिए बढ़िया तरह से। क्या मामू जी? हाँ। उसके बाद में तार खींच रहे हैं ना? हाँ। इससे बढ़िया खींचाता है क्या? हाँ देखिए इस तरह से एकदम नापी नापी से काटते जा रहे हैं और लगाते जा रहे हैं। देखिए पार करने के लिए इस तरह से टेप लगा देते हैं क्या? टेप लगाना तो अच्छा स्लिप करेगा, घुसेगा आराम से। हाँ बढ़िया से घुस जाएगा, दिक्कत नहीं करेगा। टेप मार दिए, अब इसको घुसा देंगे वहाँ पर छेदा में। देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है बिजली का, पूरा ये नीचे जाएगा ना ये तार? पूरा नीचे चला जाएगा। अच्छा देखिए नीचे कितना सारा तार रखा हुआ है, और एक मिस्त्री देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, साथ में दोनों लगे हैं। बस 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 हो गया। देखिए तार नीचे उतर गया, अब वहाँ पर उसका नापी से पूरा एकदम बांध देंगे और रख देंगे अंदर, फिर बाद में यहाँ पर फिटिंग सब लगेगा। क्या मामू? हाँ। चलिए जी चलिए नीचे तरफ। देखिए अब इधर भाड़ा बांध रहे हैं दोस्तों, उधर बाहर साइड तो कंप्लीट हो गया है, अब इधर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नीचे तरफ आ गए दोस्तों अल्बेस्टर वाला घर तरफ, और आप लोग में से कुछ कुछ लोगों का ये चीज कहना था दोस्तों कि काफी सारा घर क्यों बना रहे हैं, जब वो नया वाला घर है ये है छत घर, तो ये सब बनाने की क्या जरूरत है। और आप लोग ये सब रूम के बारे में भी बोल रहे थे दोस्तों कि यहाँ भी तीन रूम है, वहाँ भी चार रूम है, तो इतना सारा रूम क्या कीजिएगा, काफी सारा कमेंट आ रहा था। तो आप लोग को बताना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ना सोनम का शादी करेंगे, तो उसका जो है पूरा एकदम धूमधाम से एकदम तैयारी चल रहा है, हम लोग का शादी विवाह में कोई तरह का दिक्कत ना हो। काफी सारे मेहमान लोग आएंगे, बहुत सारे दूर दूर के लोग आएंगे, काफी सारे यूट्यूबर भी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर हमारे घर, तो उस सबको कोई तरह का दिक्कत ना हो। कहीं पर अगर उन लोगों का सोने का मन किया, अगर बैठने का मन किया, तो किसी तरह का कोई किसी तरह का अड़चन नहीं होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए जो है हम लोग काफी सारा रूम बनाए हुए हैं और कॉरिडोर भी एकदम पूरा बढ़िया तरह से बनाए हुए हैं, ताकि दूर दूर से लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, अपना रिलेटिव लोग रहेंगे, तो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि चलिए कुछ तो घर बनाए हुए हैं। इसीलिए हम लोग जो है काफी जो है मेहनत करके ये सब रूम को बनाए हुए हैं और ये गली को भी बना रहे हैं। तो हम लोग को लग रहा है कि लगभग जो है एक आध महीना के अंदर में तो कंप्लीट होना चाहिए। हम लोग काफी प्रयास किए हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग के लिए बढ़िया है, क्योंकि हम लोग को जो है गृह प्रवेश करके फिर हम लोग को शादी विवाह का भी तैयारी करना है। तो पूरा जोर शोर से काम चला हुआ है दोस्तों। देखिए उधर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं भाड़ा वगैरह बांधने में, क्योंकि वहां पर डिजाइन बनेगा तो वहां पर खड़ा होने के लिए आदमी चाहिए, जगह चाहिए, वहां पर आदमी खड़ा होंगे तो वहां पर जगह रहेगा, तब जाकर के जो है वहां पर खपरा वगैरह लगेगा, डिजाइन बनेगा, तो उसके लिए जो है पूरा एकदम जोर शोर से भाड़ा बंधा रहा है। प्लस में उधर बिजली का भी काम हो रहा है, और भी काम सब करवाना है, जैसे टाइल्स वगैरह हो गया, और भी जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया, जो भी छोटा छोटा काम है चाहे बड़ा काम है सबको एकदम जल्दी से करवाना है। उसके बाद में फिर हम लोग का शादी विवाह का भी तैयारी करना है, तो इसीलिए हम लोग पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं दोस्तों। और हम लोग को इतना करने का वही सब रीजन है क्योंकि हम लोग का शादी विवाह में किसी तरह का दिक्कत ना हो, ताकि हम लोग जो है बढ़िया से खुशी रहें, हमारे मेहमान भी गेस्ट भी जो भी आएंगे वो सभी बढ़िया तरह से खुशी रहेंगे, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यही सब के चलते जो है हम लोग पूरा एकदम इतना बना रहे हैं।
और आप लोग तो जानते ही हैं दोस्तों, ये सब कमरा पहले से बना हुआ है, सिर्फ इसको रिपेयरिंग करना है, बढ़िया तरह से सीट वगैरह लाद देना है ताकि पानी वगैरह ना चुए, इसलिए हम लोग इसको जो है उजाड़ करके बढ़िया तरह से बना रहे हैं। और आप लोग इधर और एक कमरा देखते होंगे दोस्तों कि ये वाला क्यों बनाए हुए हैं, तो ये वाला भी हम लोग जो है ना बहुत ही अच्छा चीज सोचे हुए हैं, अभी आप लोग को सरप्राइज देने के लिए वाला छोड़ दिए हैं। ये क्या चीज बनाएंगे आप लोग को वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर अभी छत वगैरह ढलाई हो गया है, देखिए अभी बल्ली वगैरह नहीं खुला है, तो ये सबको खोल करके फिर यहाँ पर प्लास्टर वगैरह होगा, उसके बाद में फिर यहाँ भी मतलब सिस्टम से सब चीज काम होगा, जैसे प्लम्बिंग का काम होगा और यहाँ टाइल्स वगैरह का काम होगा, यहाँ बिजली का काम होगा, सब तरह का काम होगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी छोड़े हुए हैं, ये चीज आप लोग को अगला वीडियो में पता चल जाएगा, मतलब अभी नहीं, जब हम लोग का ये बनेगा ना उसके बाद का वीडियो जो बनाएंगे उस समय आप लोग को पता चल जाएगा कि ई वाला कमरा को हम लोग क्या चीज बनाए हुए हैं। तो चलिए फिलहाल आप लोग को तो बता दिए दोस्तों कि हम लोग जो है इतना सारा कमरा क्यों बना रहे हैं, और आप लोग का भी कहना था, आप लोग का भी पूछना था कि ये सब बना रहे को, तो आप लोग को जो है एक रिप्लाई भी देना जरूरी था, तो इसीलिए सोचे कि आज का वीडियो में सारा चीज बता ही देते हैं कि इतना जो है हम लोग का जोर शोर से काम करने का रीजन क्या है। तो आप लोग को बता दिए दोस्तों, हम लोग का रीजन है शादी विवाह करने का, तो वही सब के चलते जो है काफी सारे मेहमान लोग आएंगे, गेस्ट लोग आएंगे, तो उस सबका कोई तरह का दिक्कत ना हो, आराम से सूत बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, इसीलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।